नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा आपको समय समय पर दी जाती हैं। और इसी कड़ी में एक अपडेटेड जानकारी आप सभी के लिए मैं लेके आ गया हूँ, खास करके हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए, जिन्होंने हरियाणा में PGT फिजिकल एजुकेशन का एस्ट्रैक्ट कर रखा है। तो हरियाणा में जो है वैकेंसीज आ चुकी हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितनी वैकेंसीज हैं, कब से आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रखा गया है। वन बाय वन करके पूरी ही बात यहाँ पे आपके साथ की जाएगी। वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले भाई कि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी जो है मिस नहीं होती है। तो वीडियो को कर लेते हैं शुरू, और शुरू करें उससे पहले भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक भी हैं। फिजिकल एजुकेशन अडेप्ट का लिंक है, जहाँ से आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो फॉलो करके। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप जरूर फॉलो कर लें। अब डिटेल में वीडियो को शुरू करते हैं। तो खबर आ रही है हरियाणा HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भाई। ये जो वैकेंसीज हैं ये है रेस्ट ऑफ हरियाणा की। यहाँ पे दो तरह से वैकेंसीज निकलती हैं, एक मेवात कैडर के लिए, दूसरी रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा की। यहाँ पे ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट आपको क्लियरली दी गई है, कब फॉर्म जो है पब्लिश हुए हैं, कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट बहुत ही कम, यहाँ पे 20 से 22 दिन आपको दिए गए हैं, एक महीने का समय भी आपको नहीं दिया गया है। इसके बाद नीचे थोड़ा सा चलते हैं पोस्ट की तरफ, और ये बता रखा है कि आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है। इसके बाद अप्लाई कहाँ पे करना है, HPSC की साइट पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा लास्ट डेट यहाँ पे बता रखी है, फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, ये यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं अगर किसी भी पोस्ट को लेके आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बता रखें कितनी पोस्टें, टोटल 3863 पोस्टें यहाँ पे रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की हैं। और ये जो है यहाँ पे बता रखी हैं किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्टें हैं, देखोगे कॉमर्स की हैं, कंप्यूटर साइंस की हैं, फाइन आर्ट की हैं, हिस्ट्री की हैं, मैथमेटिक्स की हैं, म्यूजिक की हैं, फिजिकल एजुकेशन की हैं, पॉलिटिकल साइंस की हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज यहाँ पे आप देखोगे फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज हैं 680। अब कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जनरल की 374 हैं, SC की 136 हैं, BCA की 68, BCB की 34, EWS की 68, जनरल की 123 यहाँ पे फॉर फीमेल। हॉरिजॉन्टल का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, फीमेल्स की भी वैकेंसीज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे SC BCA अलग अलग करके दे रखे हैं। तो टोटल यहाँ पे 680 वैकेंसीज यहाँ पे क्लियरली दी गई हैं, और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा मात्रा में है भाई, बहुत ही ज़्यादा। इतनी बड़े लेवल पे हरियाणा के अंदर PGT की वैकेंसीज आना एक अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। इसके बाद ये कैटेगरीज का फुल नेम बता रखा है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की आप बात करोगे तो हम फिजिकल एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे PGT फिजिकल एजुकेशन, MA आपके पास हो फिजिकल एजुकेशन से, और MPED आपने कर रखी हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो आपके उसके अंदर, और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED आपके पास हो, या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ कंपलसरी होना है, ठीक है। इसके बाद इसके इक्विवेलेंट कोई भी और डिग्री आपके पास हो तो भी आप एलिजिबल होंगे, मतलब BP के बाद आपने MPED कर रखी तो भी आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद मैट्रिक्स विद हिंदी और संस्कृत, या 10+2 BA या MA में हिंदी जो है एक सब्जेक्ट आपके पास हो। इसके अलावा HTET का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी आपका होना चाहिए। तो ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा के वैकेंसीज, जिसमें मेवात कैडर शामिल नहीं है। अगर हम मेवात कैडर की बात करें तो ये है मेवात कैडर का जिक्र, और इसमें देख लेते हैं कि कितने फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज हैं। बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी, यहाँ पे वहीं बता रखा है अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, और HPSC की साइट पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 613 वैकेंसीज हैं सभी सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखोगे आप
तो फिजिकल एजुकेशन की 45 वैकेंसीज हैं, इसमें जो है आप देखोगे तो 25 जर्नल की हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो किस प्रकार से कैटेगरी वाइज पोस्टें दी गई हैं टोटल, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका वहीं रहेगा सेम जैसा रेस्ट ऑफ हरियाणा में रहा है, और आप दोनों ही फॉर्म के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और अच्छी दी गई है कि एग्ज़ाम डेट भी आपको क्लियरली दे दी गई है कि एग्ज़ाम कब होगा आपका। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की बात करोगे तो सेम वहीं डाटा यहाँ पे दिया गया है भाई, सेम एज इट इज, और एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे दी गई है कि आपका एग्ज़ाम होने की संभावना कब है। तो एग्ज़ाम डेट को लेके भी मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन ये दे रखी हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन ओरिजिन से हैं, एज लिमिट क्या रहेगी आपकी ये बता रखा है, 42 ईयर एज लिमिट है आपकी, ईयर्स छूट किस प्रकार से एज की आपकी रहेगी, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें एग्ज़ाम डेट भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम डेट भी देख सकते हो, सेकंड या थर्ड वीक आपका फरवरी का हो सकता है जिसमें आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है 2023 में। तो HPSC जो है पूरे मूड में है, एक प्रकार से हाई स्पीड मोशन के अंदर है, तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब मेरे से क्वेश्चन कम से कम आप यहाँ पे ना पूछें कि जो बच्चे 2 और 3 तारीख को अटेट देंगे उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका सॉल्यूशन सरकार के पास है, HPSC के पास भी नहीं। सरकार डेट को एक्सटेंड भी करवा सकती है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अदरवाइज ना भी हो, लेकिन आप पॉजिटिव होके HTET की तैयारी कीजिए, क्या पता आपको एक चांस यहाँ पे मिल जाए। तो बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए, हरियाणा में इतनी सारी वैकेंसीज आना, इससे अच्छी खबर किसी के लिए नहीं हो सकती, खास करके आप बेरोजगार हैं और आपने PGT का HTET कर रखा है। विश यू ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आज से ही तैयारी में जुट जाएंगे, जल्द ही हरियाणा में कॉलेज कैडर की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलने वाली हैं, तो आप तैयार रहें, उसके लिए भी अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, डू और डाई सोच के। अगर आपको लगता है कि एक नौकरी आपके जीवन को बदल सकती है तो पक्का ही आपके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दी गई न्यूज़ दी गई अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन एक और बच गया होगा कि जो रिटन टेस्ट होना है और उसमें किस प्रकार का सिलेबस आएगा, तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी, बाकायदा इसमें इंटरव्यू भी होना है, लेकिन वो हमारे लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है। तो फिलहाल के लिए अपडेट यही है, धन्यवाद।